କଥାରେ ଅଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ମଣିଷକୁ କିଛି ବି କରିବାକୁ ସାହସ ଯୋଗାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଶରୀର ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼େ ସେତେବେଳେ କିଛି ବି କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନଥାଏ। ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ପାଇଁ କେବଳ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱଯୁକ୍ତ ଭୋଜନ କରିବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ସହ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଶରୀରରେ ପ୍ରୋଟିନ୍ ମାଂସପେଶୀ ସହ କୋଷିକାଗୁଡ଼ିକର ବିକାଶରେ ମଧ୍ୟ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। अधिक मात्रा रे सेवन करिबा द्वारा आम शरीर पर हानिकारक होइथाय। तेणु आम आपण को कहिबु दिन को आपण केते मात्रा रे प्रोटीन युक्त खाद्य खाइबा आवश्यक। विशेषज्ञ अनुजाई शरीर रे प्रोटीन नुआ कोशिका मानंक विकास रे सहायक होइथाय। एथिपाई जेउ माने अधिक परिश्रम करुनाहंती से माने प्रतिदिन निज शरीर रो ओजन हिसाब रे मात्र 0.75 ग्राम प्रोटीन युक्त खाद्य खाइबा आवश्यक। प्रतिदिन जणे पुरुष को 55 ग्राम और महिला 45 ग्राम रो प्रोटीन युक्त खाद्य निज खाद्य रे शामिल करिबा आवश्यक। जणे व्यक्ति दैनिक मोट 20 रु 35 ग्राम प्रतिशत प्रोटीन खाइबा उचित। वयस्क लोक मानंकु अधिक प्रोटीन रो आवश्यकता न थाए। वयस बढ़िबा सह सेमानंकु मांसपेशी दुर्बल हो जाए। सर्वे अनुजाई वयस्क मानंकु तांको ओजन अनुजाई 1.2 ग्राम प्रति किलो प्रोटीन ग्रहण करिबा आवश्यक। तेबे शरीर रे प्रोटीन रो मात्रा कमी गले शरीर हालिया लागे, यहा सह कोनोसी काम रे मन लागि नथाए। एही समस्या पई व्यक्तिर केश जनित समस्या मध्य देखा जाए। तेबे खीर पनीर दही आदि खाद्य रे अनेक मात्रा रे प्रोटीन रही थाए। एहा सह अंडा बीन्स ड्राई फ्रूट सी फूड सह डाली जातीय खाद्य रे प्रचुर परिमाण रो प्रोटीन रही थाए। तेणु आपण माने मध्य निज शरीर रो ओजन हिसाब रे प्रोटीन खांतु एवं निज को सुस्थ रखंतु। ब्यूरो रिपोर्ट के न्यूज ओडिशा।